40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई सैटेलाइट सेंटर का दौरा करके भारतीय रॉकेट से सैटेलाइट में जाने वाले हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट को मुल्क से कुछ इसी अंदाज में तारुफ कराया। सख्त ट्रेनिंग ले रहे भारत के गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट की मुल्क के सामने ये पहली झलक है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अनंत प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से बैज पहनाया। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। गगनयान मिशन 2025 तक सैटेलाइट में भेजा जाना है, जिसके तहत इसरो मुल्क की रॉकेट और तकनीक से हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट को सैटेलाइट में भेजने और महफूज जमीन पर लेकर आने का कारनामा करके दिखाएगा। तकरीबन 3 दिन के मिशन को भारत की ऊंची सैटेलाइट परवाज की नींव मान रहा है। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है, आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। फिलहाल इन एस्ट्रोनॉट को किसी भी हालात से निमटने के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी सबसे पहले मुल्क के बेस्ट पायलट एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चुने गए और उनको कड़ी ट्रेनिंग देकर सैटेलाइट में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत को सैटेलाइट की सुपर पावर बनाने का मैप भी मुल्क के सामने रखा। इसमें सिर्फ सैटेलाइट तक हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को भेजना शामिल नहीं, जल्द ही चांद की जमीन पर भी हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स कदम रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रेनिंग के बीच एस्ट्रोनॉट और उनके अहले खाना की राजदारी बनाए रखने की भी अपील की। वहीं इसरो की कामयाबी को भारत के बच्चों की इंस्पिरेशन भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।